एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस करने हैं, आप मैन्युफैक्चर करने हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, 50,000। आपने स्टेट करना है कि इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है, मीन कॉस्ट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको कहा गया कि मैक्सिमम आप कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम यूनिट्स हो गया एक्स वैल्यू कितनी है, 50,000। मिनिमम कितने हम बना सकते हैं, अब नेगेटिव तो बना नहीं सकते, इसलिए जब हम कुछ नहीं बनाते दैट मीन्स कि हम 0 यूनिट्स बना रहे हैं, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। हम अपनी मर्जी से या तो इसको 0 वैल्यू दे सकते हैं, 0 यूनिट बना सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 50,000 बना सकते हैं, तो इसको हम डोमेन कहते हैं, और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बन जाती है कि हम 0 से लेकर 50,000 के दरमियान दरमियान यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट कहाँ से आती है, यूनिट्स से आती है, ठीक है, तो जब हम 0 यूनिट्स बनाते हैं तो तब कॉस्ट कितनी आएगी, हम कॉस्ट वाले फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे हम जब 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, जब हम कुछ भी नहीं बनाते तो कॉस्ट आएगी $80,000 या 80,000 जो भी है, ठीक है, और अगर हम 50,000 यूनिट्स बनाएं तो तब हम उसको एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंड द आंसर वी गेट इज $830,000 या जो भी चीज़ है, इतनी कॉस्ट आती है, ठीक है। तो रेंज की मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है और मिनिमम कॉस्ट कितनी है, तो मिनिमम 80,000 है और मैक्सिमम 830,000 है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई कॉस्ट की, कि मिनिमम कॉस्ट कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, मीन फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है, और वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये डिमांड फंक्शन है कि इतनी क्वांटिटी आपसे डिमांड की गई है, क्यू इज दैट रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है, जो चार्ज कर रहे हैं आपको प्राइस, उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो कि डॉलर्स के अंदर है। अगेन हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन मीन्स कि कितना हम प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ पी है, तो प्राइस हम कितना रख सकते हैं, और उसके लिहाज से क्वांटिटी हमें कितनी मिलेगी, मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी। तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है, क्यू इज द क्वांटिटी डिमांडेड, पी इज द प्राइस। अब देखें, अगर हमारे पास वो 0 क्वांटिटी डिमांड करें, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी डिमांड कर सकते हैं और मिनिमम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं, तो नेगेटिव डिमांड तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए मिनिमम क्वांटिटी वो कितनी डिमांड कर सकता है, वो 0, ठीक है। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी वो डिमांड कर सकता है, इसमें अगर हम प्राइस को 0 रखें, जब पी को हम 0 रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन में नेगेटिव आ रहा है, वो प्राइस को माइनस कर रहे हैं, तो इतनी तो उसने बनानी बनानी है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी तो डिमांड की गई है, फिर वो प्राइस के लिहाज से कम होती जाती है। तो अगर हम 0 क्वांटिटी लें, ठीक है, तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है जब हम प्राइस को 0 रखें, जब प्राइस 0 होगी तो कितनी क्वांटिटी है, 280,000 नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी वो आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चूंकि रेंज क्यू है, फंक्शन ऑफ पी है, तो हमारे पास रेंज होगा, रेंज इज फ्रॉम 0 to 280,000, इतने क्वांटिटीज आपकी मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है। अब प्राइस क्या रख सकते हैं, तो देखिए प्राइस नेगेटिव में आ गया, नहीं रख सकते, तो मिनिमम क्या हो सकती है, 0 या 0 से कोई पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि मिनिमम प्राइस हम 0 रख सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कब रख सकते हैं, जब हमारे पास क्वांटिटी 0 हो, हमने कोई क्वांटिटी नहीं डिमांड की, जितनी हमारे पास है उसी को हम सेल आउट करके उसी में से हम प्राइस निकालें, जब हम क्वांटिटी को 0 रखते हैं तो हमारे पास प्राइस आ जाती है 8,000। तो इसका मतलब है कि हम मिनिमम प्राइस जो है वो हम 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 80,000, क्योंकि उस वक्त हमारे पास और यूनिट्स नहीं होंगे, उस उन्हीं यूनिट्स को जब हमने सेल करना है तो हम 80,000 सॉरी 8,000 प्राइस रखेंगे, ठीक है, ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 43 में अगेन डिमांड फंक्शन है, वही फंक्शन है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज है। तो अगेन
कितने क्वांटिटी हम डिमांड कर सकते हैं, मिनिमम जीरो ही कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं अगर हम प्राइस को जीरो रखें। उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 180,000 आ गई। तो ये हमारे पास रेंज आ गया जीरो से लेकर 180,000 क्वांटिटी। ठीक है, अब प्राइस हम जीरो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, मिनिमम कितनी रख सकते हैं जीरो, और मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं जब हमारे पास क्वांटिटी जीरो हो। तो जब हम क्यूब को जीरो रख देते हैं हमारे पास पी आ जाएगा, तो जीरो से लेकर 6,000 तक।